यदि कोई शांति बलि के रूप में ढोरों से एक पशु चढ़ाता है तो वो नर या मादा चढ़ा सकता है, किंतु वो अदोष हो। वो अपना हाथ बलि पशु के सिर पर रखे और दर्शन कक्ष के द्वार पर उसका वध करे। याजक हारून के पुत्र उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़कें। फिर वो शांति बलि का एक अंश प्रभु को चढ़ाए, अर्थात अतणियों के आसपास की सारी चर्बी, दोनों कुर्ते तथा उन पर और कमर के पास की चर्बी तथा जिगर की झिल्ली, जिसे वो गुर्दों के साथ निकालेगा। याजक हारून के पुत्र शांति बलि के साथ ये सब वेदी पर जलती लकड़ी में भस्म करे। यह सुगंधयुक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। यदि कोई शांति बलि के रूप में भेड़ बकरियों में से प्रभु को एक पशु चढ़ाना चाहे तो वो नर या मादा चढ़ा सकता है, किंतु वो अदोष हो। यदि वो बलि के रूप में एक मेमना चढ़ाए तो वो उसे प्रभु के सामने लाए और उस बलि पशु के सिर पर अपना हाथ रखकर दर्शन कक्ष के सामने उसका वध करे। हारून के पुत्र उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़कें। फिर वो शांति बलि की चर्बी प्रभु को अर्पित करे। चर्बी भरी मोटी पूंछ, अतड़ियों के आसपास की चर्बी, दोनों गुर्दे तथा उन पर और कमर के पास की चर्बी तथा जिगर की झिल्ली, जिसे वो गुर्दों के साथ निकालता है। याजक यह सब भस्म करे। यह प्रभु को अर्पित आहार है। यदि कोई बलि के रूप में एक बकरी चढ़ाए तो वो उसे प्रभु के सामने लाए और अपना हाथ उसके सिर पर रखकर दर्शन कक्ष के पास उसका वध करे। हारून के पुत्र उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़कें। वो बलि पशु का एक अंश प्रभु को अर्पित करे। अतड़ियों के आसपास की चर्बी, दोनों गुर्दे तथा उन पर और कमर के पास की चर्बी तथा जिगर की झिल्ली, जिसे वो गुर्दों के साथ निकालता है। याजक ये सब वेदी पर भस्म करे। यह प्रभु को अर्पित आहार और सुगंध युक्त चढ़ावा है। सारी चर्बी प्रभु की है। तुम जहां कहीं भी निवास करोगे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे लिए एक चिरस्थाई आदेश है। तुम न तो चर्बी खाओगे और न रक्त ही। यदि कोई शांति बलि के रूप में ढोरों से एक पशु चढ़ाता है तो वो नर या मादा चढ़ा सकता है, किंतु वो अदोष हो। वो अपना हाथ बलि पशु के सिर पर रखे और दर्शन कक्ष के द्वार पर उसका वध करे। याजक हारून के पुत्र उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़कें। फिर वो शांति बलि का एक अंश प्रभु